नमस्कार, टेकनिस्ट में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिससे रोबोट्स इंसान का काम कर सकते हैं। इसका मतलब जो अगर रोबोट्स ह्यूमंस की तरह काम करने लगे तो वो हमारे तरह सब कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर इंटेलिजेंस है कि हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। वो रोबोट्स के अंदर आने से उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बेसिकली ये तीन किस्म के होते हैं। एक होता है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं हम नैरो इंटेलिजेंस, और एक है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक है सिंगुलरिटी। तो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रोबोट्स हैं वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक फील्ड में ही काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो जो रोबोट, अगर हम सोचें कि जो हमारे एयरक्राफ्ट है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं। वो जो काम करता है वो सिर्फ एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर आपका कंप्यूटर चेस खेलने में मास्टर है तो वह आपको चेस खेल में हरा सकता है और वो और कुछ नहीं कर सकता। और जो है और अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस तरह के इंटेलिजेंस है जिसमें जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन की तरह काम कर सकते हैं, ह्यूमन की तरह बिहेवियर कर सकते हैं। और तीसरा है सिंगुलरिटी स्टेज। अगर मैं आपको सिंगुलरिटी स्टेज के बारे में बोलूँ, अगर सिंगुलरिटी स्टेज में जो रोबोट्स हैं वो अपने आप को डेवलप करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स हैं वो अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा जिसमें वो रोबोट्स बिल्कुल हमारे साथ बराबर हो जाएंगे। बेसिकली साइंटिस्ट बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे साइंटिस्ट अभी भी भ्रम में है कि सिंगुलरिटी स्टेज में रोबोट्स हमारे बात को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो अगर हम फ्यूचर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो वो हमारे बात सुन सकते हैं या नहीं भी सुन सकते हैं। चलिए हम सोचते हैं कि एक बार कि हम वो कुछ कोड्स लगा देंगे जो जिससे वो हमारी बात सुनेंगे और रूल को फॉलो करेंगे। क्या ये संभव है कि वो हमारे बात को सुनेंगे? क्या वो फॉलो करेंगे हमारे रूल को? अगर वो हमारे तरह इंटेलिजेंस हो जाए, हम जैसे इंसान के दिमाग एक दूसरे से नहीं मिलता और बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो इंसानियत के तरफ खतरा है और वो हमें मरवा भी सकते हैं और पूरा वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग को पूरा निशिन्न कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। The red button blinking at below. This is Devasish signing off.